दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा व अंतिम टेस्ट मुकाबला जमैका के किंगस्टन के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर डे वन के स्टंप्स हो चुके हैं और डे वन पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर भारतीय बल्लेबाज बहुत ही ज्यादा हैवी पड़े और इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं डे वन को और जानेंगे कि क्या कुछ खास हमें डे वन में देखने को मिला। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और यदि आप चाहते हैं कि इस टेस्ट सीरीज में भी भारतीय टीम 2-0 से रोमांचक जीत दर्ज करे तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट ही जोल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मुकाबला एंटीगुआ के मैदान पर खेला गया था, जहां पर भारतीय टीम ने 318 रन से बहुत ही रोमांचक जीत दर्ज की थी। बहुत ही शानदार जीत थी, जिस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इन दो मैचों की सीरीज में 1-0 से बहुत ही रोमांचक लीड हासिल कर ली थी और दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए यहां पर जमैका के मैदान पर दोनों टीमें आपस में भिड़ी है, जहां पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर एक बार फिर से गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने उतरे केएल राहुल के साथ मयंक अग्रवाल, लेकिन केएल राहुल यहां पर टोटली फ्लॉप रहे, केवल 13 रन बनाकर वो आउट हो गए। मयंक अग्रवाल ने इस मुकाबले के दौरान 55 रन की पारी खेली। पिछले मुकाबले के दौरान वो पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे, लेकिन इस मुकाबले के दौरान उन्होंने अपनी थोड़ी सी कला जरूर दिखाई। नंबर 3 पर आए चेतेश्वर पुजारा, जो एक बार फिर से यहां पर पूरी तरह से टोटली हमें फ्लॉप नजर आए, केवल 6 रन बनाकर वो आउट हो गए। कप्तान विराट कोहली ने इस मुकाबले के दौरान 76 रन की पारी खेली, लेकिन 76 रन बनाने के बाद वो जैसन होल्डर की गेंद पर हैमिल्टन को कैच दे बैठे। उसके बाद अजिंक्य रहाणे यहां पर केवल 24 रन बनाकर आउट हो गए और टॉस ने उनको अपना निशाना बना लिया। हालांकि आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी जो बल्लेबाजी कर रहे वो बल्लेबाज है हनुमा विहारी और ऋषभ पंत, और दोनों ही बल्लेबाज यहां पर मैदान पर पूरी तरह से सेट है। हनुमा विहारी ने अभी तक 80 गेंदों में 42 रन बनाए हैं, वहीं ऋषभ पंत ने 64 गेंदों में 27 रन बनाए हैं। एक्स्ट्रा रनों की हम यहां पर बात करते हैं तो अभी तक भारतीय टीम को इस इनिंग में 21 रन एक्स्ट्रा मिले हैं और डे वन की एंडिंग तक भारतीय टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 264 रन है, जो रियली काफी अच्छा स्कोर, और यहां से टीम इंडिया एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है। उसके बाद गेंदबाज हमारे कमाल दिखाई रहे, तो कहीं ना कहीं यहां पर पहला दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा। वेस्टइंडीज की गेंदबाजी की हम यहां पर बात करते हैं तो जैसन होल्डर ने इस मुकाबले के दौरान अभी तक 3 विकेट लिए हैं, वहीं उनके अलावा किमार रोच और कॉर्नवेल को एक एक विकेट मिला रहे। किम कॉर्नवेल वही जिनका वेट 140 किलो से ज्यादा है, उनको इस मुकाबले में विकेट जरूर मिला, लेकिन यहां पर अब भारत के नाम यह मुकाबला हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी इस महामुकाबले को, भारत या फिर वेस्टइंडीज, कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट जोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।